आप एक नाम है सैयद साजिद के साथ। व्यूअर्स, आइए इस खत का मैंने इंट्रोडक्शन और उसकी अजम्पशंस उसकी मैथमेटिकली और न्यूमेरिकली वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। आइए इस खत का ग्राफिकली उसकी मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दी है। अब हम आइए इस खत को अखस करते हैं उसका अल्टरनेटिव ग्राफ। इससे हमने दो पैनल बनाने हैं सेम ओ वाई एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ये 90 का जाविया होता है, इसको हमने डिवाइड करना है दरमियान में। ये हमारे पास क्या है एग्रीगेट सप्लाई सी प्लस एस। नीचे हमने एक सेम पैनल बनाना है डायग्राम ओ वाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमारे पास सी प्लस आई, यानी ये हम इसे हम क्या कहते हैं एग्रीगेट डिमांड अशा की मजमूई तलब का खत ओ वाई वन। अशा की मजमूई तलब का जो खत है यानी या सी प्लस एस और सी प्लस आई एक दूसरे को नुक्ता ई पर कत्ता करते हैं। ये बुनियादी नुक्ता है इक्विलिब्रियम। हमारी आमदनी की सतह क्या तय पाती है ओ वाई वन कह देते हैं इसको। अब एग्रीगेट डिमांड ऊपर की जाने शिफ्ट हो जाती है सी प्लस आई आई डैश ई डैश। नया इक्विलिब्रियम तबादल हमारे पास कहाँ पर कायम होता है ई टू पर और कौमी आमदनी की सतह ओ वाई वन से बढ़कर ओ वाई टू हो जाती है। देखें एग्रीगेट डिमांड का खत ऊपर की जानब क्यों शिफ्ट हुआ है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज़ ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनका आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है। जब हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन होती है तो इन्वेस्टमेंट हमारी ग्रोथ करती है। जब इन्वेस्टमेंट ग्रोथ करती है तो एग्रीगेट डिमांड अशा की मजमूई तलब बढ़ जाती है। जब अशा की मजमूई तलब बढ़ती है इस वजह से अशा की जो मजमूई तलब का खत है ऊपर की जानब शिफ्ट हो गई है। जब अशा की मजमूई तलब बढ़ती है तो लोगों की आमदनियाँ भी बढ़ जाती हैं। अब हम पैनल टू की तरफ आते हैं। हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ओ आर टू, कौमी आमदनी की सतह क्या है ओ वाई वन। अब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है डिक्रीज कर गया यानी डिक्लाइन कर गया। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है ओ आर टू से ओ आर वन हो गया तो हमारी आमदनी ओ वाई वन से बढ़कर ओ वाई टू हो गया। यहाँ पर हमें दो पॉइंट हासिल होते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी। जब ये दो पॉइंट्स दो नुकात को हम मिलाते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी को जब हम मिलाते हैं तो हमें आई एस खत हासिल होता है जो ऊपर से नीचे बाएं से दाएं जानिब गिरता है और मनफी झुकाव रखता है।